हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन योर ऑनलाइन क्लासेस। आई एम हिमांशु मिश्रा, योर फिजिक्स टीचर। स्टूडेंट्स, हम लोग पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं फिजिक्स का, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस। एंड हम लोगों ने काफी बात कर लिया है। पिछले वीडियो में हमने शुरुआत की थी इलेक्ट्रिक डायपोल के बारे में। इलेक्ट्रिक डायपोल की आपको जानकारी पढ़ाई, आप जो भी कंटेंट है वो पिछले वीडियो में दी जा चुकी है। आज हम लोग को इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ना है। दैट मीन्स अगर हमारा एक डायपोल है और उस डायपोल के कारण कितना इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हम दो पोजीशंस पर कैलकुलेट करते हैं क्लास 12 स्टैंडर्ड पे। यानी 12th में हम लोग दो पॉइंट्स पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। एक होता है एक्सियल पॉइंट और दूसरा होता है इक्विटोरियल पॉइंट्स। तो हम एक्सियल और इक्विटोरियल पॉइंट्स बारी बारी से जब बताएंगे तो पॉइंट्स भी बताएंगे। उससे पहले मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि ये इम्पोर्टेंट डेरिवेशन है, इसको बहुत केयरफुली, बहुत सिंसियरली आपको देखने की जरूरत है। इसका डेरिवेशन आपके एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसलिए निश्चिंत, मतलब आप ये न सोचें कि अरे नहीं कोई बात नहीं। तो आपको यू हैव टू बी वेरी श्योर कि ये एग्जाम में आता है। उसके लिए आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चाहिए तो आप उसको भी देखिए कि हाँ सर सही बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। बट भाई हम झूठ क्यों बोलेंगे, हम आपके ही फेवर में रहेंगे, अच्छा आपको कंटेंट देने की कोशिश करेंगे। चलिए हम लोग निकालते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड टू द डायपोल। डायपोल क्या होता है, इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस को अगर हम क्या करें, कुछ दूरी पर प्लेस कर दें, तो ऐसे सिस्टम को इलेक्ट्रिक डायपोल बोलते हैं। बेटे, हर इलेक्ट्रिक डायपोल में एक डायपोल मोमेंट एग्जिस्ट करता है। डायपोल मोमेंट के बारे में पिछले वीडियो में बताया जा चुका है। अगर हम चार्जेस में से कोई एक चार्ज ले दें, यानी कि एक मैग्नीट्यूड ले दें चार्ज का, और फिर उसको क्या कर दें, चार्जेस के सेपरेशन से मल्टीप्लाई कर दें, तो जो क्वांटिटी हमें मिलती है उसे हम इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट बोलते हैं। इसके यूनिट क्या होगी, ऑफकोर्स चार्ज मीटर होगी, यानी कूलम मीटर होगी, या सेंटीमीटर पर कूलम सेंटीमीटर होगी, जैसा आपको सुटेबल क्वेश्चंस में पड़ेगा वैसा करेंगे। आज हमें निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द इलेक्ट्रिक डायपोल। तो पहला हेडिंग हमारा है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एंड इलेक्ट्रिक डायपोल। हेडिंग हमारा क्या होना चाहिए बेटे, इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। ठीक है, तो पहले हम लोग आपको यहां पर आपको सारी बातें बता देते हैं कि हम लोग क्या क्या एज्यूम करेंगे, और उसके बाद लैंग्वेज देते हुए डेरिवेशन करेंगे। तो बेटे इलेक्ट्रिक डायपोल हमारा क्या होता है, इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस होता है। सपोज कर लीजिए यहां पर हमारे पास माइनस क्यू चार्ज है, यहां पर सपोज कर लीजिए क्या है, प्लस क्यू चार्ज है। अब इसके बीच का सेपरेशन हम लोग किस टाइप का मानते हैं, कल ही बताया था 2a टाइप का, मतलब 2l 2x इस टाइप का मानते हैं। क्यों, क्योंकि सारी कैलकुलेशंस हम लोग डिस्टेंस का कहां से करते हैं, इसके मिड पॉइंट से। अगर मिड पॉइंट से करेंगे और हमने a टाइप का डिस्टेंस लिया तो हमें a बाय 2 फ्रैक्शन से डील करना पड़ेगा, तो उससे बचने के लिए 2a टाइप का ले लिया गया। तो अब बताओ इसका ये मिड पॉइंट है, तो यहां से ये a हो जाएगा, यहां से a हो जाएगा। अच्छा बेटे, अब एक्सियल पॉइंट एक्सिस क्या होता है, दोनों चार्जेस को अगर मिला दें तो जो लाइन आपको मिलेगी उसको हम एक्सिस बोल सकते हैं, एक्सिस ऑफ डायपोल। तो बेटे अगर मैं इसी एक्सिस पर कोई अगर एक पॉइंट पी सेलेक्ट करता हूं तो इसे एक्सियल पॉइंट बोला जा सकता है या बोला जाता है। तो ये एक्सियल पॉइंट है, यानी पॉइंट ऑन लाइन ज्वाइनिंग बाय द चार्जेस इज डिफाइंड एज द एक्सियल पॉइंट। तो ये एक्सियल पॉइंट बोला गया। अब बेटे ये एक्सियल पॉइंट कहीं भी हो सकता है, मतलब इस एक्सिस पर कहीं भी हमने यहां पर सेलेक्ट कर लिया, एक तो हमें सेलेक्ट करना होगा, तो हम पी पर ले लिए और ये इसके मिड पॉइंट से या हाँ यहां से सपोज कर लीजिए आर डिस्टेंस पर है। कितने आर डिस्टेंस पर, मैंने बताया सारी कैलकुलेशन कहां करते हैं, मिड पॉइंट से करते हैं। तो इसके मिड पॉइंट से ये आर डिस्टेंस पर है। अब हमें इस सिस्टम की वजह से यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। पूरी बात समझ में आ गई। अब इसको हम लोग लैंग्वेज पहले लिख लेते हैं, फिर आप इसको डायग्राम में बना लीजिए, फिर हम लोग क्या करेंगे कैलकुलेट करें। तो पहला हमारा होगा एट एन एक्सियल पॉइंट। तो पहला हेडिंग इसमें हम लोग क्या करेंगे, एट एन एक्सियल पॉइंट, और एक्सियल पॉइंट पे हम लोग क्या लिखेंगे कि लेट वी हैव गिवन, क्या मैं अच्छा नहीं ठीक, Let we have given an electric dipole of charges
plus q and minus q, and which are separated, by distance 2a. ठीक है, full stop. We have to find the electric field at point P, at axial point P, having smaller distance from midpoint of that. ओके माय डियर स्टूडेंट्स, आप इतना पहले इस लैंग्वेज को लिखेंगे, तब आप इस डायग्राम को बनाएंगे. फिर से पहले इस पूरे लैंग्वेज को लिखेंगे, फिर इस नीचे को डायग्राम को आप बनाएंगे. तो मैं आपको दे रहा हूँ वक्त, आप इसको क्या करिए, बनाइए, चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चाहे वीडियो को पॉज करके बनाइए. मैं एक दो सेकेंड का आपको पर्याप्त समय दे रहा हूँ. चलिए, तो मैं इसको हटा रहा हूँ. अब बेटे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में के निकालने के लिए हम क्या करेंगे, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का यूज करेंगे. प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या कहता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, कि अगर आपके पास दो चार्जेस या दो से ज्यादा चार्जेस हैं और किसी पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इन चार्जेस की वजह से निकालना है, देन हम क्या करें, पहले इंडिविजुअल चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लें. यानी हम यहाँ क्या करने वाले हैं, प्लस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, माइनस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेंगे, और फिर प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के अनुसार हम उसको वेक्टर सम कर देंगे. तो हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट पी पर मिल जाएगा. तो पहले हमें प्लस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर निकालना पड़ेगा बेटे, फिर माइनस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना पड़ेगा. अब आप जब निकालने जाओगे तो ये पॉइंट चार्ज हो जाएगा, क्योंकि अकेला चार्ज हो जाएगा. तो अकेले चार्ज यानी किसी पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन क्या होता है, इज इक्वल टू 1/4πε0Q/r2. बट बेटे आर स्क्वायर इज द डिस्टेंस बिटवीन द चार्ज एंड पॉइंट, यानी यहाँ पर लेने वाले हैं, तो ये डिस्टेंस कितनी होगी कैलकुलेट कर सकते हैं. अगर बेटे ये पूरी दूरी, ये दूरी r है और इसमें आपका ये डिस्टेंस a है, तो ये डिस्टेंस एक्चुअल डिस्टेंस कितना हो जाएगा आपका, r माइनस a होगा कि नहीं, बिल्कुल हो जाएगा बेटे. ये r है, अगर इसमें से a हम निकाल दें तो प्लस चार्ज की वजह से डिस्टेंस, या प्लस चार्ज से कितने डिस्टेंस पे ये पॉइंट होगा, r माइनस a पॉइंट पर होगा. पता लग गया सर, तो अब हमें 1/4πε0 चार्ज भी पता लग गया, डिस्टेंस भी पता लग गया, हम लिख सकते हैं. अच्छा, तो प्लस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा बेटे, ये भी बनाने की जरूरत है. तो यहाँ पे E प्लस मतलब अवे फ्रॉम द चार्ज होता है, तो ये प्लस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ होगा, जिधर मैं अपना फिंगर दिखा रहा हूँ, इधर की तरफ. मेरी बात समझ में आ रही है? चलो, तो अब प्लस चार्ज की वजह से जितनी बातें हमें इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए जानना था हम जान लिए. तो लिखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, शॉर्ट में लिख रहा हूँ EF, ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज एट पी, क्या हो जाएगा बेटे, ई प्लस में लिखा हूं 1/4πε0Q/r-a² इसे इक्वेशन 1 बना लिया जाए. सिमिलरली बेटे माइनस चार्ज की बात करें तो माइनस चार्ज से ये कितनी दूरी पर है, माइनस चार्ज से देखे यहां तक की दूरी, यहां से यहां तक की दूरी तो r है, ये एक्स्ट्रा दूरी बच रहा है कि नहीं, ये दूरी एक्स्ट्रा कितना है a, तो आप इसके नीचे बना लीजिए ये r प्लस a डिस्टेंस पर है. यानी माइनस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते वक्त हम डिस्टेंस कितना लेंगे, r प्लस a. पता लग गया, चार्ज की वैल्यू पता लग गई. अच्छा, इसका डायरेक्शन बेटे किधर की तरफ होगा, अगर वेक्टर फॉर्म में डायरेक्शन हमें जरूरत पड़ने वाली है ना, इस वजह से हम माइनस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर की तरफ होगा, चार्ज की तरफ होगा, ये हम पिछले वीडियोस में बता चुके हैं. तो यहाँ पर आप देखिए ये माइनस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ होगा, किधर की तरफ, टुवर्ड्स द चार्ज.
अभी हम एक एक चार्ज को एनालाइज कर रहे हैं ना, आप इसमें कंफ्यूज नहीं हो कि ये क्या करेगा, ये जब करेगा करेगा, जब हम कंबाइंड इफेक्ट देखेंगे तब बात करेंगे। फिलहाल जो हमें ये देखना है कि प्लस की वजह से इधर होने वाला है, माइनस की वजह से चार्ज की तरफ होने वाला है, ठीक है। चलिए तो अब हम लोग यहाँ पर मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं, सिर्फ अभी इलेक्ट्रिक फील्ड या ऐसे सिंपल ये लिख लिया है ना, तो ये लिख सकते हैं ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज। तो बेटे मॉडुलस लिख रहे हैं अभी, तो माइनस यहाँ पे ये प्लस माइनस रिप्रेजेंट कर रहा है, प्लस और माइनस की वजह से। ये इक्वेशन आ गया टू। आया कि नहीं? बिल्कुल आ गया सर। अब बेटे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे। प्लस चार्ज की वजह से जान लिया, माइनस चार्ज की दो ही चार्जेस थे, दोनों चार्जेस की वजह से जान लिया, तो अब क्या कर लें, वेक्टर सम कर दें। नेट चार्ज है ना अकॉर्डिंग, सो नेट नेट इलेक्ट्रिक फील्ड या से लिखें, सो अकॉर्डिंग टू, ये अकॉर्डिंग का शॉर्ट फॉर्म है, टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी, पॉइंट पी पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बेटे कितना हो जाएगा, ई इज इक्वल टू वेक्टर, मतलब वेक्टर ई इज इक्वल टू ई प्लस ई माइनस, ये यानी प्लस और माइनस चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया है दोनों का वेक्टर सम कर दें। क्या कर दें, वेक्टर सम कर दें, कर लिया। इसे इक्वेशन क्या कर लीजिए यार, आपको अभी ऐसे ही रहने देते हैं। चलिए ये बातें हमको समझ में आ गई। अब इस इक्वेशन की जरूरत पड़ने वाली है, इसलिए आप अपने कॉपी में अच्छे से लिख लीजिए, क्योंकि मैं तो यहाँ पे जगह कम होने की वजह से मिटाऊंगा, और तो मुझे तो याद है लेकिन आपको दिक्कत होगी। खाली मैं ई प्लस और ई माइनस को छोड़ दूं, ठीक है बेटे। तो जरा ई प्लस और ई माइनस का हम वेक्टर सम कर रहे हैं, और दो फॉर दो वेक्टर्स का सम जब करते हैं तो क्या फॉर्मूला होता है मॉडुलस का। अगर हम बात करें वेक्टर ए प्लस बी का मॉडुलस ले तो हमें क्या मिलता है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा। बेटे ये वेक्टर फॉर्मूले हैं, आपको पढ़ाए जा चुके होंगे इलेवेंथ में, ठीक है, ये वेक्टर के फॉर्मूले हैं। तो ए देखिए, यहां पर ए की जगह ई प्लस हो गया, बी की जगह ई माइनस हो गया, तो यहाँ ए स्क्वायर बी स्क्वायर आ गया। थीटा कितना होगा, थीटा देखिए एक आपका इधर की तरफ है और दूसरा इधर की तरफ, तो दोनों के बीच में थीटा कितना हो जाएगा, 180 होगा कि नहीं। अच्छा 180 होगा, तो कॉस की जगह पे रखेंगे कॉस 180, और कॉस 180 बेटे माइनस 1 देता है, तो ये रिलेशन हम याद रखेंगे तो हमें काम रहेगा। तो अगर हम मॉडुलस लें, यानी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर हम मॉडुलस लें, तो हमें क्या करना होगा, हमें करना ये होगा ई प्लस का स्क्वायर ई माइनस का स्क्वायर प्लस टू ए बी, यानी मॉड ऑफ ई प्लस ई माइनस कॉस 180 करना पड़ेगा ना, क्योंकि आपको वैल्यू बता दी गई। अच्छा कॉस 180 की बेटे वैल्यू माइनस 1 हो जाएगी, तो ये माइनस 1 देगा, तो इसकी वजह से ये प्लस आपका माइनस हो जाएगा, तो आपको वैल्यू क्या मिलेगी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की, ई प्लस का स्क्वायर ई माइनस का स्क्वायर, यहाँ प्लस माइनस ये बता रहा है कि प्लस और माइनस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, माइनस टू ई प्लस मॉड ऑफ ई माइनस, मिला ना। बहुत अच्छा। अब बेटे अगर आपको मैं ये कह दूं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी बोल दूं, तो आप कहोगे सर हाँ ये माइनस बी का होल स्क्वायर होगा। तो अगर मैं वैल्यू चेंज कर दूं, मतलब बी माइनस ए का भी स्क्वायर कर दूं, तभी आप देखोगे वैल्यू में सेम यही आएगा। तो आप इसमें कैसे करोगे, देखो ए स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी तो मिल रहा है, लेकिन ई प्लस ज्यादा है कि ई माइनस ज्यादा है ये नहीं पता। क्यों नहीं पता है, पता करते हैं। देखिए अब आपकी चार्जेस तो सेम है बेटे, ये माइनस चार्ज है ये प्लस चार्ज है, और यहां से पॉइंट की दूरी देखिए कम है, तो प्लस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा। प्लस चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर पी पर मिलेगा आपको बेटे वो ज्यादा मिलेगा। इस वजह से यहाँ पर सिंस ई प्लस आपकी ज्यादा है, यानी प्लस चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वैल्यू यहाँ पे ज्यादा होगी बेटे, और ई माइनस का कम होगा। दैट इज वाई इस कारण हमारा जो यहाँ पर ई प्लस मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी का जो फॉर्मूला लगाएंगे वो कुछ इस तरीके से लगाएंगे, है ना, यानी e प्लस मॉड ऑफ e प्लस माइनस e माइनस का होल स्क्वायर का अंडर रूट। अब नेक्स्ट स्टेप में बेटे आप देखें कि ये अंडर रूट इस स्क्वायर रूट को क्या कर देगा, कैंसिल कर देगा, तो चाहे आप ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी आपका अंडर रूट और स्क्वायर हट जाएगा। देखिए e प्लस आ गया, e माइनस आ गया ना। अब हमारे पास इसकी भी वैल्यू है और इसकी भी वैल्यू है, कहां पर, इक्वेशन वन में है, तो लिख देंगे कि पुटिंग द वैल्यूज फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू। इक्वेशन वन एंड टू से हम क्या करेंगे, वैल्यू रख देंगे। इक्वेशन वन से आप जाइए देखिए प्लस की वैल्यू क्या है, 1 बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर। माइनस की वैल्यू क्या है बेटे, माइनस चार्ज की वजह से, है कि नहीं, दोनों वैल्यूज आपकी क्या है सेम है, लेकिन अब डिस्टेंस आपकी अलग अलग होगी, यहाँ पे r माइनस ए का स्क्वायर होगा, यहाँ पे r प्लस ए का होल स्क्वायर है ना। तो प्लेस कर दिया जाए पुटिंग द वैल्यूज फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू, यहाँ पे लैंग्वेज लिखेंगे पुटिंग द वैल्यूज फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू, तो हमें क्या मिल जाएगा माय डियर स्टूडेंट, मिलेगा कि नहीं, मिल जाएगा, दोनों वैल्यू हमने पुट कर दिया। चलिए अब देखिए क्या कॉमन है, 1 बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट, 1 बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन है, क्यू भी कॉमन है, तो कॉमन ले लिया जाए, क्या कॉमन ले लिया, क्यू बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में आपके पास क्या बचा, आर माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस यहाँ पे आर प्लस ए का होल स्क्वायर, बच गया ना बेटे, बिल्कुल बच गया सर। अब देखिए क्या करें, सॉल्व कर लें इस ब्रैकेट को, हमारा काम बन जाएगा। अब इस टर्म को देखिए, दोनों को एलसीएम ले लेंगे तो ये क्या आ जाएगा आपका, तो जब एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे एक ब्रैकेट में आर माइनस ए का होल स्क्वायर, एक ब्रैकेट में आर प्लस ए का होल स्क्वायर आ सकता है। अच्छा ये टर्म यहाँ जाएगा, ये टर्म यहाँ चला जाएगा, एलसीएम लेना तो आता ही होगा। चलिए आ गया, बहुत अच्छी बात है। अब देखिए ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है, वैल्यू सेम है, दैट मीन्स r प्लस a का होल स्क्वायर है, ये r माइनस a का होल स्क्वायर है बेटे। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, अगर आपको थोड़ा सा अलजेब्रा याद हो, फॉर्मूले याद हो, तो आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। फिर भी मैं करा दे रहा हूँ कि a प्लस बी का होल स्क्वायर अगर आप क्या कर रहे हो, लिखते हो तो कैसे लिखते हो बेटे, ऐसे लिखते हो, और a माइनस बी का होल स्क्वायर लिखते हो तो कैसे लिखते हो, ऐसे, बहुत आसान है सर, इसमें क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं बेटे। अब हम अगर क्या करें, माइनस साइन लगाएं, क्योंकि a प्लस बी का होल स्क्वायर में से माइनस करना है, तो अगर माइनस करेंगे तो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, तो ये टर्म क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, ये दोनों एड होके फोर ए बी देंगे। यानी अगर हम a प्लस बी का होल स्क्वायर कर रहे हैं और माइनस कर रहे हैं a माइनस बी के होल स्क्वायर से, तो हम 4ab लिख सकते हैं। तो बेटे यहाँ पर क्यों नहीं लिख सकते, r प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस r माइनस ए का होल स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, 4ar लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, आंसर होना चाहिए लिख सकते हैं। बस क्या करना है, a की जगह r रख दो, b की जगह a रख दो, तो ये आपकी लाइन सॉल्व हो जानी चाहिए। ये अगली लाइन इसके आगे, e इज इक्वल टू 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ऊपर आपका कितना जाएगा 4ar, चार्ज आपका क्लियर।
अच्छा नीचे देखो, नीचे वाला कैसे सॉल्व करेंगे, r प्लस ए का होल स्क्वायर है, r माइनस ए का होल स्क्वायर है कि नहीं। तो अगर मैं इस स्क्वायर को ऐसे कर लू तब बेटे कर सकता हूं कि नहीं, बिल्कुल कर सकता हूं, क्योंकि ब्रैकेट ओपन करोगे तो ये स्क्वायर इसके पास भी आ जाएगा, ये स्क्वायर ऐसे इसके पास भी आ जाएगा, ऊपर का टर्म मिल जाएगा। तो अब देखिए नीचे जो आपके पास है, ब्रैकेट में जो आपके पास है ये r प्लस ए है, ये r माइनस ए, ये फिर से एक अलजेब्रा का फॉर्मूला हो गया, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो इसका क्या फॉर्मूला होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है कि नहीं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का स्क्वायर, क्योंकि ये स्क्वायर ऑलरेडी है। तो नीचे जो टर्म है बेटे उसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, बहुत अच्छा डेरिवेशन हम कर रहे हैं, बहुत आसानी से हो जाएगा, बस आप लोग पेशेंसली वीडियो को पूरा देखने की कोशिश करें, भागने की कोशिश ना करें। अब थोड़ा सा बेटे इसमें एडजस्टमेंट करेंगे, एडजस्टमेंट क्या करते हैं देखो जरा, क्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को अलग कर लेते हैं बेटे, इसमें से देखिए 4qr है ना, इसमें हम लोग 2q अलग कर ले रहे हैं, 2qr अलग कर ले रहे हैं, क्या कर ले, सॉरी qr नहीं है ये 4ar है, वेरी कंफ्यूजिंग लग रहा है। तो 4ar को में से हम क्या कर ले, 2a अलग कर ले और यहां से q ले लें, तो क्या बचेगा आपके पास, 2 बचेगा, 2r बचेगा कि नहीं, तो 2r अलग कर ले रहे हैं, 2aq अलग, तो 2aq अलग हमने कर लिया बेटे और 2r अलग कर लिया। फिर से आप जब मल्टीप्लाई करोगे एग्जैक्टली ऊपर वाला आ जाएगा, तो ये r स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आ जाएगा बेटे का होल स्क्वायर, इसे आप इक्वेशन मान लीजिए कि a आ गया है ना। अब बेटे हमें ये पता है सिंस, बस डेरिवेशन होने वाला है, थोड़ा सा पेशेंस और बनाइए, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का क्या फॉर्मूला होता है, P इज इक्वल टू 2qa होता है, या आप देखते हैं कि 2aq होता है, कोई बात नहीं, डिस्टेंस इंटू चार्ज, तो ऐसे भी तो लिख सकते हैं। तो अगर ये इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का ये फॉर्मूला है P, तो यहाँ पे P लिख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं। इक्वेशन वन क्या हो जाएगा, लिखेंगे द इक्वेशन वन बिकम्स, इक्वेशन वन क्या हो जाएगा बेटे, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट टू, यहाँ पे आपका इसकी जगह P लिखने वाले हैं, तो आ जाएगा क्या P इंटू, या ऐसे सही से लिख देते हैं 2pr, थोड़ा सा एक लाइन कम कर दे, तो बेटे ये इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एक्सियल पॉइंट है, तो बुक्स में देखेंगे ऐसे लिखा रहता है ई एक्सियल, मतलब एक्सिस एक्सियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड, बस ये रिप्रेजेंट करने के लिए कि ये एक्सियल पॉइंट पर है, ऐसे भी लिखा जाता है इसको। अब इसका वेक्टर फॉर्म क्या होगा, क्योंकि बेटे इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी एक्स वेक्टर पॉइंट वेक्टर फंक्शन है या वेक्टर वैल्यू है, वेक्टर आपकी क्या है क्वांटिटी है, तो इस वजह से इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना पड़ेगा, इट्स वेक्टर फॉर्म, तो क्या आ जाएगा बेटे, चूंकि इसका डायरेक्शन जो होगा वो देखिए, जैसे प्लस चार्ज यहां पे अज्यूम किया था, माइनस चार्ज यहां पे अज्यूम कर दिया था, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ होगा, ठीक है, आर के डायरेक्शन में होगा, स्क्वायर हो जाएगा, और जो हम एरो लगाएंगे वो पी के ऊपर लगाएंगे, क्योंकि पी हमारी क्या है, ये आपका वेक्टर फॉर्म हो जाएगा। ठीक है बेटे, अब जो क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता है कि डायपोल अगर शॉर्ट हो, डायपोल छोटा हो तो क्या होगा, डायपोल छोटा होने का क्या मतलब है बेटे, कि जो हम जैसे ये डिस्टेंस है ए और ये आर, बहुत
क्या हो जाए, आर बहुत बड़ा हो जाए फॉर शॉर्ट डाइपोल, है ना। जैसे आप किसी पॉइंट को क्या कर रहे हो, किसी बिल्डिंग को बहुत दूर से देख रहे हो, तो मान लीजिए ये बिल्डिंग की हाइट ए है, अगर मैं इसको बहुत दूर से देख रहा हूँ तो ये छोटा दिखेगा कि नहीं दिखेगा, दिखेगा ना, क्यों, क्योंकि ये डिस्टेंस बहुत ज्यादा है। तो अगर किसी ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस आप बहुत ज्यादा दूरी से देख रहे हो उसे, तो आपको क्या मिलेगा, आपको वो छोटा दिखाई देगा। तो शॉर्ट डाइपोल के लिए हमें क्या करना पड़ता है, आर को बहुत ज्यादा लेना पड़ता है ए के कंपेरिजन में। अच्छा, ऐसे केस में बेटे क्या होगा कि आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का जो वैल्यू होगा वो ऑलमोस्ट आर स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आर स्क्वायर की वैल्यू मान लीजिए 10,000 है और ए की वैल्यू 0.1 0.2, तो क्या हो जाएगा, हम ऑलमोस्ट आर स्क्वायर के इक्वल मान सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल मान सकते हैं बेटे। तब ऐसे केस में आप इस फॉर्मूले से देखे, ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/4πε0 2πr। यहाँ पे क्या होने वाला है, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की जगह हम लोग क्या लिख देंगे, आर स्क्वायर लिख देंगे, और ये आपका आर पावर फोर हो जाएगा क्योंकि वहां पर ऑलरेडी स्क्वायर है। तो एक आर आर से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और जो कैंसिल हो जाएगा बेटे तो आपको क्या मिलेगा, ई एक्सियल मतलब एक्सिस पॉइंट पर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगा वो आ जाएगा 1/4πε0 2πr³। और अगर इसे वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें, इसका वेक्टर फॉर्म कैसा होगा, याद रखिएगा शॉर्ट डायपोल के लिए आपको रिजल्ट याद होना चाहिए। अब एक लास्ट बात जो आपके इस टॉपिक को खत्म करेगा, यानी एक्सियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड आपका फॉर्मूला आ जाएगा, हम उसे करने वाले हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वेरिएशन है यहाँ पर किस बात पर डिपेंड कर रहा है, आर के साथ उसका कैसा ग्राफ बनेगा। ये आपसे पूछा जाता है, बार बार ग्राफ पूछे जाते हैं, इस वजह से मैं सभी में बनवाता हूँ। यानी ई एक्सियल नोट करके लिखिएगा वर्सेस आर ग्राफ, तो इसका ग्राफ बेटे कुछ इस तरीके से आएगा। यहाँ पर ई इलेक्ट्रिक फील्ड है आपका, यानी एक्सियल इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी है, और ये आपका आर है, तो ये कुछ इस तरीके से आता है ना। यानी ई की जो वेरिएशन है बेटे वो आर क्यू पे होता है। इसको अपनी कॉपी में जल्दी से बना लीजिए। ओके बच्चे, आज के इस वीडियो में हम लोग इतना ही करने वाले हैं। अगली वीडियो में जब मिलेंगे तो इक्वेटोरियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे डायपोल की वजह से, वो भी आता है ये भी आता है, दोनों एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं, इस वजह से दोनों को करना है, अच्छे से करना है जैसे कि इसको किया। फिर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप कॉमेंट सेक्शन में बताएंगे बेटे, एंड आई विल डेफिनेटली सॉल्व योर प्रॉब्लम इन नेक्स्ट वीडियो। जितना भी आपको प्रॉब्लम आएगी सारे के सारे प्रॉब्लम आपकी सॉल्व की जाएगी, बस आप वीडियोस को देखते रहिए, नोट्स बनाते रहिए। और अगर बेटे वीडियो को पसंद कर रहे हैं तो अपने फ्रेंड्स को बताइए, अगर आपको अच्छा लग रहा है कि हाँ सर अच्छा पढ़ा रहे हैं तो बताइए ना कि सर पढ़ा अच्छा रहे, क्यों दूसरे जगह फीस देके पढ़ना, अपना ही है वीडियो, अपने वीडियोज हैं तो पढ़ना जाए, है ना, तो अच्छा आपका सपोर्ट मिलेगा उन लोगों को। चलिए आज के लिए इतना ही, घर पे रहिए बेटे, सुरक्षित रहिए, कोरोना से बच के रहिए और खुश रहिए, साथ ही साथ पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।